इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। इलाहाबाद के बाद एक गांव के बाद निकले तो ये घाटी आई, छोटा छोटा घाट था। तो हम लोगों ने क्या देखा, नीचे हम लोग पर्वत जैसा ऊपर है तो ऊपर गाड़ी दिख रही थी। फिर भाई ये तो देखो, ये तो सामने वहाँ पहुँचना है अपन को, यहाँ अपन खड़े हैं, रास्ता कितना घूम रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है पर्वत का। तो अपन ने सोचा, महाराज हम दोनों थे, ये लग जी छोटे लग जी, और एक काम करें, अब देखो गाड़ी वो आ रही है, अपन यहाँ से कोई शॉर्टकट होगा सीधा चढ़ चलते हैं, यहाँ से कुछ होगा। तो उन्होंने देखा, हाँ दिख तो रहा है, ये पगडंडी है, लगता जा नहीं सकते हैं, चल दिया। वो पगडंडी कहाँ पहुँच गई, चलते चलते आगे बढ़ते, भैया अपन कहाँ चले जा रहे, पता चला कि बात वो जंगल में ले गई। और 2-3 किलोमीटर चक्कर जितना था, अगर मोई अपन चक्कर ही लगा लेते तो ठीक था। वो चक्कर में अपन ने देख लिया कि सामने से दिख रहा है, अरे पास में ही है, शॉर्टकट में कभी कभार मिल भी जाता है और कभी कभार भटक भी जाते हैं। उस शॉर्टकट के चक्कर में गए तो जाकर के जंगल में घुस गए, अब रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चलना है, क्या करना है। भैया कुछ भी हो, अब तो जो पहाड़ जैसे तैसे जो पहाड़ ऊपर चढ़ के अपन को ऊपर पहुंचना है, तभी रास्ता मिलेगा। अब देखा है एक साइड खाई है, एक साइड बहुत बड़ा पहाड़ है। संभलते संभलते चलते चलते अब कैसे भी हो कहीं रास्ता देखा, अब जहाँ से मिले रास्ता वहाँ से चलो। और आखिर एक आध घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता चढ़ कर के ऊपर पहुँचे। पता चला कि आप कितने घूम गए, हमने सोचा था कि एक आध किलोमीटर 60 हो जाएगा, 3-4 किलोमीटर लंबा हो गया और हो गया। इसलिए कभी कभार रास्ता सीधे के चक्कर में अपन क्या हो जाते, इसलिए रास्ता शॉर्ट नहीं, साफ होना चाहिए, सीधे सीधे जहाँ से लोग सब जा रहे हों उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी के साथ जब हमारा रास्ता चलता है तो वो मंजिल तक पहुँचता है। बस यही है, बाधक हो हमें साधक बनना होगा, घुमावदार से डरना नहीं है। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। अब कुंभ बनने की तैयारी हो रही है, उसके आकृत में यानी दिमाग में होता है, यानी उसके उपयोग में आकृत होता है, यानी एक नया अब क्या बनना है, तो सबसे पहले कहाँ बना है उसका, दिमाग में। कुंभ का आकार प्रासंगिक प्राकृत हुआ ज्ञान गेय आकार, उसका अब ज्ञान किसके आकार में हुआ, गेय आकार हुआ, और ध्यान ध्येय आकार, एकदम एकाग्र हो गया समझ के। तुझे क्या बनाना है, घड़ा बनाना है। मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर यानी दोनों हाथ, कर तो उभय कर, मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर कुंभकार हुए। कैसे हुए, कुंभ के आकार के हुए, दोनों हाथ उसके बिल्कुल कुंभाकार हुए, जैसा बनाना है वैसा उसका कुंभाकार हुए। प्राथमिक चुभन हुआ, स्पर्श चुभन हुआ, प्राथमिक चुभन हुआ, माटी के भीतर एक अपूर्व पुलकन आत्मीयता का अथ सा लगा। जैसे ही उसके दोनों हाथ उसको छुए और छूते हुए
माटी के अंदर एक अनेक रूप स्पंदन पुलकन करत क्या स्पंदन हुआ, एक अच्छा स्पंदन हुआ और आत्मीयता का अथ अथ यानी प्रारंभ आत्मीयता, उसको ऐसा लगा जैसे कोई अच्छे प्रेम से सदे हुए अच्छे कोई आपके गले पे या आपके गाल पर बड़े अच्छे पुचकार से प्यार के साथ स्पर्श करता है तो आपको कैसा लगता है ये बड़ा आत्मीयता से भरा हुआ स्पर्श है। ऐसे आत्मीयता से भरा हुआ माटी के भीतर का पूर्व पुलकन आत्मीयता का अच्छा लगा लो रह रहकर तरह तरह की माटी की मंजुलियाँ छवि अनेक प्रकार की मंजुलियाँ ने छोटी छोटी बड़ी नई प्रकार की छवियाँ बदलती जा रही हैं। जैसे वो माटी को कुशाकार फिर बना रहा है धीरे धीरे और बना रहा है फिर और बढ़ता चला रहा है मंजुल छवियाँ हैं। मंजुल का अर्थ हो तो अच्छी मनमोहक ऐसे है हाँ। तो इस प्रकार की छवियाँ उभर उभर कर ऊपर आ रही हैं, उभर उभर कर ऊपर आ रही हैं क्रम क्रम से तरंग क्रम से रहस्य के घूंघट में निहित थी जो चिर से, जो आज तक जो आकार जो छवियाँ हैं उसे नहीं मिली कहाँ जबकि उसके रहस्य के अंदर उसके अंदर छुपी थी ऐसा गियाकार परिणित होने के लिए ऐसी उपादान क्षमता उसके मिट्टी के अंदर थी। जैसे तरंग क्रम से एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब घड़ा को बनते हुए देखो आप, हम लोग मैराथन में थे रोज जंगल जाते थे तो रास्ते में एक कुम्हार का घड़ा वो मिलता था तो रोज सुबह सुबह से जब जाएं जब देखते थे वहाँ है ना, जब जाते थे तो मट्टी दिखाई देती थी लौंधा, लौट करके आएंगे तो बिल्कुल उसके यहाँ देखते दो चार घड़े के आकार भले मिलते थे। मैंने कि इतने जल्दी बना लिया, बोले कि हाँ तो एक दिन में खड़ा हो गया, हम कि बनाओ देखते हैं आज कैसे बनाते हो। तो बहुत दिन तो उसने बनाया तो बिल्कुल मूक माटी प्रैक्टिकली देखना है तो प्रैक्टिकली जो जो छवि जो देखा है ना आचर्ची कि तरह तरह की माटी की मंजिल छवियाँ हैं एक के बाद एक नई नई परिवर्तन। एक मिनट जैसे वो हाथ लगा रहा है उभर उभर कर ऊपर आ रही हैं जैसे वो मिट्टी में से प्रकट हो रही हैं और क्रम क्रम से तरंग क्रम से बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद लहर जैसी तरंग क्रम से रहस्य के घूंघट में नेत थी है ना। जैसे घूंघट में ढली हुई कोई बहू है ना तो हर किसी को चेहरा नहीं दिखता उसमें क्या है, ऐसे रहस्य के घूंघट में नेत थी जो चिर से कब से बहुत पहले से अनादि से। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथों में है, किसके हाथों में पुरुषार्थ के हाथों में है। रहस्य के सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोक्ता संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता, करण अर्थात कर नहीं होता, वह पर का कुछ भी नहीं करता न कराता। जिसके पास चरण चर नहीं होता वह स्वयं को नहीं चलता, स्वयं न चलता पद भर भी एक कदम भी आगे नहीं चलता, ना ही चलाता पर को, काल निष्क्रिय है ना। काल कैसा है निष्क्रिय है, क्रय विक्रय से परे है हुआ है यानी ये कोई खरीदारी नहीं है। तो कोई तुम बाजार से ले आओ तो काल को खरीदो नहीं, क्रय विक्रय से परे है हुआ है, अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा
यही परिणति है आपको यहाँ देखो बहुत बड़ी रहस्य की बात आपको उद्घाटित की आचार्य जी ने, काल द्रव्य की यथार्थता। किसे कहते हैं काल? वह निष्क्रिय है, आप वो उसको चला नहीं सकते। आप बाजार में से ऐसा है कोई नहीं कि तुमने कह दिया बोले कि मैंने तो काल को खरीद लिया, बोले कि काल को खरीद लिया, बोले कि हाँ देखो मैंने काल को खरीद के हाथ पे बांध लिया। बोले कि क्या खरीदा बताओ, तुमने काल खरीदा कि घड़ी खरीदा? बोले कि मैंने तो काल को हाथ में बांध लिया। अच्छा तुमने काल को हाथ में बांध लिया? नहीं काल को नहीं बांधा, तुमने क्या बांध ली? घड़ी को बांध लेने से काल को नहीं बांधा जाता। हमने घड़ी को बांध लिया तो काल को बांध लिया। अरे भाई अगर तुम्हारे अंदर की काल की सही परिणति अगर समझ में नहीं आई तो घड़ी को बांध लेने से काल को नहीं बांधा जा सकता। वो तो चिरकाल से है, रहेगा, उसको आज तक कोई खरीद नहीं पाया। अनंत काल से काल है, पर तुम उस काल के चक्कर में आए गए चले गए, आज तक कोई पुरुषार्थ शील व्यक्ति ही काल के रहस्य को समझ पाया है, उस काल के परिणति को समझ पाए थे। जिसके निकट करनी यानी कर नहीं होता वह पर का कुछ नहीं कर सकता। एक विशेष बात है, जिसके पास करनी नहीं होता वह पर का कुछ नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हो, अगर सामने वाले का उदय कर्म का उदय अच्छा चल रहा है, तुम कितना भी बिगाड़ कर लो, कितना भी बुरा सोच लो, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और सामने वाले का अगर पाप कर्म का उदय चल रहा हो तो तुम कुछ भी ना करो तो भी उसको अपने आप हो जाएगा। कर्म का खेल है, अपने अंदर के उस कर्म के कर्तृत्व रूप परिणति के बारे में है। वही है कि करण यानी कर नहीं होता पर का वह कुछ ना करता करा ना कराता। जिसके पास चरण चरण नहीं होता वह स्वयं ना, एक लंगड़े से पूछे जिसको पाँव नहीं है उससे कहो क्यों चलना है, तो चलता है तो वो कहता मैं क्या चलूंगा क्योंकि मेरे पास तो चलने के लिए पैर ही नहीं है। जिसके पास पैर नहीं है उससे चलने को कहो तो वो चल नहीं सकता। ऐसे स्वयं ना चलता है पद भर एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। वही इसलिए ना चलाता है, काल भी वैसे ही कैसा है वह ना चलता है और ना चलाता है। जो चलना चाहता है तो उसके लिए सहयोगी बन जाता है। और क्रय विक्रय से परे है वह, बिल्कुल कोई खरीद नहीं सकता। बाजार से आप मशीन खरीद सकते हो घड़ी जानने के लिए, ये व्यवहार काल कि भाई अभी आपके सांस टिक टिक कर रही है, घड़ी बता रही है आपको कैसा है, लेकिन घड़ी वही अच्छी होती है जो चलती हुई बताते कि भैया देख तेरा तो समय हो गया। कभी तुमने घड़ी से सोचा, घड़ी से पूछा कि तू चलती क्यों है? बोले कि चलना मेरा स्वभाव है। पर चलते हुए आपको कुछ उपदेश तो देती है कि नहीं देती है? हाँ वो कहती है टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। करना है तो क्या कर लो, क्योंकि जो बीत गया सो रीत गया, क्योंकि वापस लौटने वाला नहीं है। एक बार आपके सामने से जो गुजर गया आपकी स्मृति पटल में तो हो सकता है लेकिन अनुभूति में नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे क्षणों को स्मृति पटल, ये वर्तमान को जो जितना अच्छा बना सकता है उसका आनंद भविष्य में उठा सकता है।
और वर्तमान को जो जितना गंदा बना सकता है, भविष्य का वह गंदापन उसके सिर पर पुनः बन करके आ सकता है। कर्म का वह चित्र, एक ही समय वही है, एक ही काल वही है, पर एक काल में अच्छा कार्य भी हो सकता है, परोपकार भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि महाराज ये बताओ, परोपकार करने से दूसरे को भलो तो थमाओ का होत। जैसे मान लो कोई व्यक्ति को घाव लग गया या कोई घायल हो गया, और आपने कहा और के महाराज आपने कहा कि उसके लिए अपन को क्या करना है, दवा लगाना चाहिए, है ना, उसको दवा लगा करके उसका उपचार करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। उपचार करने से उसका उपकार होगा, हमारा क्या होगा बिंदु? एक दिन तुम्हारे साथ भी अगर कभी ऐसा होगा तो ना, जब तुम्हारे हो सकता है कल तुम्हारे साथ भी ये प्रसंग आएगा, तो हो सकता है आज तुम किसी उसको दवा लगाओ तो वो तुम्हें दवा लगाते हुए देख करके वो भी सोचेगा कि भाई इसने भी मुझे दवा लगाई थी, आज तुम उसे दवा लगाओ तो कल वो तुम्हारे लिए भी दवा लगाएगा। लेकिन अगर काश तुम उसका घाव को दुखाओगे तो वो भी सोचेगा भैया वो दिना तुम हवा भी बहते, है ना, वो दिना हम भी ऐसे ही कूल रहते, तुमने हमें कानी करो। तो परोपकार इसको कहते हैं कि आज तुम पर का करो तो वो दूसरा तुम्हारे ऊपर भी करेगा। आप करना क्या चाहते हो, चाहता क्या हो, जो पाना है उसको पाने का प्रयास करो, यही है काल चक्र का क्रम। काल के क्रम है ना, क्रम विक्रम से परा है वो, वहां कोई क्रय विक्रय से परे है, वह अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है। कितने, एक ही काल पर आसीन है, पर के प्रति उदा सीन है, और पर के प्रति कैसा है वह उदासीन है। तथापि इस भांति काल को उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक क्या है, संबंध है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में यहाँ कहा गया। आज यहीं पर विराम, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।